हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमीदा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कंसल्ट विद अमीदा। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा पहनाने की, हर चीज़ अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खाना मौसम के हिसाब से ही खाना चाहिए। कभी कभी अपने बच्चों को हम ना जानते हुए ऐसी चीज़ें दे देते हैं जो हम समझते हैं कि वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन वो बच्चे को नुकसान कर जाती है। जैसे गर्मी के मौसम में आजकल आम बहुत ज़्यादा आता है, सभी लोग अपने बच्चों को आम खाने को देते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है, बहुत अच्छा फ्रूट है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आप आम मार्केट से ले कर आएँ तो उसको लाने के बाद तुरंत अपने बच्चों को खाने के लिए मत दें। उसको या तो आप किसी बर्तन में पानी भर के आधे घंटे एक घंटे तक आप उसमें डाल दें, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को आम खाने के लिए दें, या आप कम से कम आधे घंटे तक फ्रीज में रख दें, उसके अंदर की गर्मी निकल जाए, वो ठंडा हो जाए। क्योंकि आम आजकल इतनी ज़्यादा खपत है कि पेड़ से पका हुआ आम खाने को तो बहुत कम ही मिलता है। ज़्यादातर आम में केमिकल लगा के ही पकाया जाता है, और वो अगर आप बिना ठंडा किए, बिना पानी में डाले या फ्रीज में रखे आप ऐसे ही खाने के लिए अपने बच्चे को दे देंगे तो वो नुकसान कर जाएगा। इसलिए आप कभी भी आम लेके आए तो उसको या तो आधे घंटे पानी में रख दें या तो फ्रीज में रख दें थोड़ी देर, तभी अपने बच्चे को खाने को दें, वरना उससे बच्चे का पेट ख़राब हो सकता है, लूज मोशन भी हो सकता है बच्चे को। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दें। मार्केट में इतनी तेज़ धूप रहती है, अगर आप बाहर से कोई फ्रूट्स लेके आए हैं ठेले से धूप से, तो उसको घर में ला के ठंडा करने के बाद ही बच्चों को दें। वो जलता हुआ फ्रूट अपने बच्चे को मत दें, वो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब बात करते हैं दही की। दही बहुत फ़ायदेमंद होता है ठंडा के मौसम में, तो फिर भी पेरेंट्स अवॉइड करते हैं दही अपने बच्चों को देने से। वैसे जो बच्चे लगातार खाते हैं दही उनको नुकसान नहीं करता है, कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं अगर तो हो सकता है ठंडक के मौसम में नुकसान कर जाए, लेकिन गर्मी के मौसम में तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को दही देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बारिश होने लगती है, गर्मी के साथ बारिश वाला मौसम हो जाता है, उस टाइम में दही में बहुत जल्दी बैक्टीरिया बनने लगते हैं। इसलिए बच्चों को आप एकदम फ्रेश दही दीजिए। जिस दिन आप बनाइए दही, आप घर में ही बनाइए और वही ताज़ा दही दीजिए। अगर वो बच जाए तो वो दूसरे दिन बच्चों को मत दीजिए, उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। ये आपके बच्चे को नुकसान कर सकता है, फ़ायदे के बजाय नुकसान कर सकता है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और गर्मी या बारिश के मौसम में अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या ऑयली फूड ना दें। इससे बच्चे को आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड देंगे तो इससे बच्चे को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, हलक सूखने लगता है। बच्चे क्या बड़े भी अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड या ऑयली फूड खा लेते हैं तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हमेशा सादा खाना खाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली खाने से या स्पाइसी खाने से पेट भी गड़बड़ हो सकता है, और गर्मी के मौसम में अगर लूज मोशन लग गया तो वैसे ही पानी की कमी होने का खतरा रहता है, और इससे और पानी की कमी हो जाएगी, तो इसलिए इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। इन सभी छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। अगर मेरी ये सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा।